गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड वी सॉल्व एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7. टुडे वी स्टार्ट फॉरवर्ड रेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वॉज 35,02,914 एंड नाउ द पॉपुलेशन इज 48,57,346. वाट इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3 years. मीन्स उसने क्या दिया हुआ है, पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसमें क्या था कि थ्री ईयर्स एगो द पॉपुलेशन कितनी थी उसकी, 35 लाख. तो फर्स्ट जैसे आपको स्टेटमेंट दिया है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना है आपको, फर्स्ट 3 year ago पॉपुलेशंस, 3 year ago पॉपुलेशंस इज 35,02,914. नाउ द पॉपुलेशन, अब आज की पॉपुलेशन क्या है, 3 years यानी 3 मतलब अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020. तो 3 years पहले क्या हो जाएगा उसका, 2017. तो बीच में कितने ईयर्स आए, 2018 एंड 2019. तो उसने ये दिया है कि 2020 में उसकी स्ट्रेंथ कितनी, पॉपुलेशन की सपोज 35 लाख थी, ठीक है. नाउ उसकी लेंथ कितनी हुई, 40 लाख 8 लाख है सपोज, ठीक है. मतलब टुडे 3 years पहले, 3 years यानी 17 years में उसकी, सॉरी 17 years में उसकी कितनी थी, 17 years पहले उसकी कितनी थी, 35 लाख. एंड अब आज क्या चल रहा है, 2020, उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 48 लाख. तो उसने पूछा है कि 2 years के बीच में उसमें कितना इंक्रीज हुआ. तो 35 लाख पहले थी और अभी क्या है, 48 लाख. तो आप क्या करोगे, 35 में से 48 को क्या करोगे, माइनस. तो आपको क्या मिल जाएगी, 2 years की पॉपुलेशन मिल जाएगी. तो देन यू राइट, 3 years ago population 35,02,914 and now the population कितनी है, 48,57,346. then अब क्या करना है, फाइन पूछा है उसने, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशंस, इंक्रीज पॉपुलेशंस, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, मतलब पहले कितनी थी, 35 और अभी कितनी है, 48. तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज करने है, तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो क्या करोगे, माइनस. अब माइनस किस में से होगा, 35 लाख माइनस 48 के, 48 माइनस 35, तो क्या होगा, 48 माइनस 35. तो फर्स्ट क्या लिखोगे, 48,57,346 - 35,02,914. क्या करोगे, माइनस. और ये माइनस क्या करना है आपको, खुद को करना है, डू योर सेल्फ. सो मैं फाइनल आंसर लिख रही हूँ, सो लास्ट 3 years इज पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज लास्ट थ्री ईयर्स. तो कितनी पॉपुलेशन हुई लास्ट 3 years में, तो उसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें क्या करना है आपको, माइनस. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. In 2002, in a factory produced 5,32,17,135 tube lights. In 2003, in the produced 2,51,941 tube lights, less than the 2002. तो हाउ मैनी ट्यूबलाइट आर प्रोड्यूस इन 2003. तो यानी 2003 में कितनी प्रोड्यूस हुई, मतलब पहले क्या दिया हुआ है, सपोज
2002 में, पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद राइट द स्टेटमेंट एंड द सॉल्व। फर्स्ट क्या दिया है कि 2000 में सपोज 5 लाख है, एक और आपने एक्स्ट्रा में अप्रोक्स में बना बता रही हूँ आपको कि 2000 में कितना किया उसने, 5 लाख ट्यूबलाइट प्रोड्यूस करी है, मतलब उसने बनाई है, मेकिंग करी है ट्यूबलाइट, कितनी करी है 5 लाख। फिर उसने क्या दिया है, ठीक है, इन 2003 मतलब नेक्स्ट 2000 बाद क्या आएगा 2003, उसमें क्या हुई है 2 लाख ट्यूबलाइट क्या हुई, लेस हुई है 2 लाख ट्यूबलाइट, कितनी हो गई, लेस हो गई, यानी कितने में से लेस हुई है 5 लाख, मतलब पहले उसने 5 लाख ट्यूबलाइट फैक्ट्री ने कितनी कितनी ट्यूबलाइट्स बनाई 5 लाख, 2003 में उसकी प्रोडक्ट थी वो 2 लाख क्या हुई, लेस हुई है, ठीक है। तो 2003 में कितनी ट्यूबलाइट्स बनी, तो आप क्या करोगे, प्लस क्या माइनस, जहाँ पे लेस वर्ड आ गया मतलब पहले 5 लाख थी उसकी प्रोडक्ट लेस हो गई, यानी उसकी प्रोडक्ट क्या हो गई, कम हो गई, तो उसमें क्या करोगे आप, क्या करोगे माइनस, अंडरस्टूड। तो नाउ राइट द स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर, इन 2002 ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 2 लाइट्स इक्वल टू कितनी है 5,32,17,135, कितनी है 5,32,17,135 इन 2003। इन 2003 फैक्ट्री प्रोड्यूस लेस ट्यूबलाइट, लेस बनाया है उसने, कितनी ट्यूबलाइट क्या हुई, लेस हुई है, कितनी हुई है 2,51,941। तो उसमें 2003 में कितनी होगी, तो इन 2003 ए फैक्ट्री प्रोड्यूस ट्यूबलाइट्स 5,32,17,135 माइनस, अब देखो लैक के नीचे लैक आना चाहिए डिजिट लिखते टाइम, ध्यान रखना 149152। अब क्या करना है आपको, माइनस, देन यू माइनस करोगे देन यू गेट आंसर, शो इन 2000 सो ट्यूबलाइट प्रोड्यूस ट्यूबलाइट्स प्रोड्यूस्ड इन 2003 इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, मतलब 2002 में इतनी फैक्ट्री में इतनी प्रोडक्ट हुई थी, 2003 में लेस हुई है, तो 2003 में कितना होगा, तो उसका क्या करोगे माइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2,09,32,740, आउट ऑफ दिस 19,47,314 आर मैन, 84,035,784 आर वुमेन एंड रेस्ट ऑफ आर चिल्ड्रन, मतलब एक पॉपुलेशन में दी हुई है, सपोज देखो पॉपुलेशन दी हुई है, सपोज दी है 2 लाख दी हुई है, ठीक है, उसमें से अगर सपोज 1 लाख मैन हो गया, 1 लाख मैन है एंड 50,000 वुमेन है सपोज, ठीक है,
ठीक है, तो चाइल्ड कितने होंगे, तो क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपके सिक्स क्लास में फिफ्थ क्लास में भी आया हुआ है, मतलब क्या करोगे, 1 लाख और 50 लाख को क्या करोगे प्लस, कितना आएगा 1,50,000। अब उसमें से 2 लाख में से 1,50,000 माइनस करोगे तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 550,000। अंडरस्टूड, मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें मैन और वुमेन को क्या करोगे प्लस, वो जो आंसर आएगा उसमें से 2 लाख में से जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से माइनस करोगे, देन यू गेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो स्टार्ट द स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, फर्स्ट नंबर ऑफ मैन इक्वल टू, नंबर ऑफ मैन कितने दिए हुए हैं, 47,314। नंबर ऑफ वुमेन, इक्वल टू 84,35,784। अब इनको दोनों को क्या करोगे प्लस, तो टोटल टोटल मैन एंड वुमेन कितना होगा, इन दोनों को प्लस करो, देन यू गेट 4 और 4 8 8 और 1, यहाँ पे रॉन्ग हो गया लगता है, एक मिनट, 4 और 4 8 8 और 1 9 7 और 3 10 carry 1 12 और 1 13 carry 1 4 और 4 8 4 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 17। तो आंसर क्या आया हुआ आपका, 1,74,74,83,098। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, टोटल पॉपुलेशंस इक्वल टू कितना है, 2,09,32,714। और नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इक्वल टू, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन कितने हैं, 1,74,83,098। अब इनको क्या करना है आपको, माइनस, क्या करना है, माइनस। सो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो यू गेट आंसर, सो फाइनल माइनस कर लेना, देन यू आंसर, सो फाइनल आंसर क्या आएगा, सो डैश चिल्ड्रन इन टाउन। अंडरस्टूड, पहले क्या निकालोगे, मैन एंड वुमेन की टोटल पॉपुलेशन निकालोगे, वो आएगी 1 करोड़, फिर उसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में से मैन और वुमेन यानी 1 करोड़ माइनस करोगे तो 1 लाख, उसी 1 करोड़ आ जाएगा। उसी तरह से इसका माइनस करोगे 1,74,000, उसमें से 2 लाख 9 लाख में से 74 को माइनस करोगे तो देन यू गेट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ए फार्मर प्रोड्यूस 1,397 क्विंटल ऑफ राइस। एक फार्मर है, वो राइस क्विंटल कितना कर रहा है, 1,397। ही सोल्ड इट, उनको सोल्ड किया उसने कितने रुपीस में, 856 पर क्विंटल पे, तो हाउ मैनी डिड ही गॉट, तो उसने कितने, मतलब तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ कितनी क्विंटल कॉस्ट दिया हुआ है, 1 क्विंटल का कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल पर क्विंटल, यानी क्या होता है, 1 क्विंटल, क्विंटल मीन्स यू नो कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, कितना होता है, 100 केजी।
वन क्विंटल इक्वल टू रुपीज़ कितना दिया है 856। नाउ कॉस्ट ऑफ, उसके पास कितने क्विंटल है राइस है, कॉस्ट ऑफ वन क्विंटल इक्वल टू द वन कॉस्ट ऑफ क्विंटल कॉस्ट ऑफ 130 सॉरी कितने क्विंटल है 1397 क्विंटल राइस इक्वल टू क्या होगा, मतलब एक पेन अगर सपोज 10 रुपीज़ की है तो 5 पेन कितने की होगी 50 रुपीज़ की, क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो सेम थिंग उसमें दिया है कि 1 क्विंटल के कॉस्ट 856 है तो 1300 का तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 1397 मल्टीप्लाई किससे करोगे 856, ये मल्टीप्लाई आपको खुद को करना है, डू योर सेल्फ। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, डैश आंसर किस में आएगा, कॉस्ट किस में आती है रुपीस में, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 रुपीस सपोज 1397 क्विंटल क्विंटल राइस अंडरस्टूड, मल्टीप्लाई डू योर सेल्फ। फर्स्ट क्विंटल की दी हुई है इतने 1397 क्विंटल का निकालना है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रेन कैरी 1854 पैसेंजर, हाउ मेनी पैसेंजर कैन बी ट्रैवल 783 टेन, मतलब एक ट्रेन में कितने हैं, सपोज क्वेश्चन बता रही हूँ वापस क्वेश्चन देखो, वन ट्रेन में सपोज 1000 पैसेंजर बैठ रहे हैं तो 70 ट्रेन में कितने पैसेंजर बैठेंगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई, एक ट्रेन में कितने पैसेंजर है 1000 पैसेंजर तो 70 ट्रेन में कितने आएगा, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सेम थिंग इसमें है कि एक ट्रेन के अंदर वो कितने पैसेंजर बैठ रहे हैं 1854, तो हाउ मैनी पैसेंजर ट्रैवल इन द 763 ट्रेन, तो उसमें कितने ट्रेन होंगे, तो उसमें भी क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो देन राइट द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं टोटल पैसेंजर, फर्स्ट नंबर ऑफ पैसेंजर इन वन ट्रेन में कितने पैसेंजर हैं 1854, तो नंबर ऑफ कितनी ट्रेन है टोटल, नंबर ऑफ ट्रेन कितनी है, नंबर ऑफ ट्रेन कितना दिया है 783। अब टोटल पैसेंजर्स पूछा है उसने तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो टोटल पैसेंजर्स जर इक्वल टू क्या आएगा 154 मल्टीप्लाई 783, इसका मल्टीप्लाई करोगे देन योर गेट आंसर। फिर स्टेटमेंट सेम लिखना है, सो डैश पैसेंजर कैन ट्रैवल इन 783 ट्रेन, अंडरस्टूड, इसमें भी क्या करना है मल्टीप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रेन द कॉस्ट ऑफ 135 शर्ट इज, कॉस्ट ऑफ 135 शर्ट की दी है 42930, तो फाइंड द वन कॉस्ट, एक शर्ट की पूछी है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी दी है और वन की पूछी है तो क्या करोगे डिवाइड, उसमें क्या था वन ट्रेन की थी
ज़्यादा ट्रेंड की पूछी है तो उसमें क्या किया था मल्टीप्लाई, इसमें क्या दिया है कि 13 शर्ट की कॉस्ट दी है तो 1 शर्ट की निकालनी, तो उसमें क्या करोगे डिवाइड, तो क्या लिखोगे कॉस्ट ऑफ 13 शर्ट 135 शर्ट, सॉरी कॉस्ट ऑफ 135 शर्ट इक्वल टू दिया है 42,930। नाउ द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन शर्ट की कितनी होगी तो 40,930 डिवाइड बाय 135, इसका डिवाइड कर लेना। सो कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है, इक्वल टू रुपीस। अंडरस्टूड? सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1,77,144 बुक्स आर मेड इन बंडल, मतलब इतनी बुक्स हैं वो बंडल्स बना रही है, इच कंटेन द 132 बुक्स, मतलब एक बंडल्स में कितनी बुक्स है 122, तो हाउ मनी बंडल आर मेड, तो कितने बंडल बनेंगे, मतलब एक बंडल में दिया हुआ है, मतलब इच कंटेन ऑफ द बुक्स, मतलब एक बंडल में 122 बुक्स है, तो 1,77,000 बुक्स में कितने बंडल बनेंगे, तो उसमें भी क्या करोगे डिवाइड। अंडरस्टूड? वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब उसमें क्या लिखोगे इच कंटेन बुक्स इक्वल टू 142 बुक्स, इच कंटेन बंडल 122, राइट द स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट लिखा रही हूँ, सॉल्व यू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14, इच बंडल कंटेन 122 बुक्स, एक बंडल में कितनी बुक्स है 122 बुक्स, और टोटल बुक्स कितनी दी हुई आपको, टोटल बुक्स इक्वल टू 1,77,144, तो नंबर ऑफ टॉप बंडल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बंडल्स इक्वल टू क्या आएगा 1,77,144 डिवाइड बाय 122, इसके डिवाइड करोगे तो आपको क्या बन जाएगी नंबर ऑफ बंडल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन 2001 द टोटल फॉरेस्ट आर द स्टेट वाज द 3,652 स्क्वायर मीटर, द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ए कंपेरिजिंग टू द इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, मतलब एक 2001 में फॉरेस्ट एरिया का स्टेट के कितने थे 3,642। द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द कंपेरिजन, द स्टेट गवर्नमेंट ने कंपेरिजन स्टार्ट किया था 2011 तक, वो कंपेरिजन स्टार्ट हुआ था, तो उसने कितने फॉरेस्ट फाइंड किए थे 7,085 स्क्वायर मीटर, तो राइट द फर्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, राइट द 3,652 और 7,085 इन द वर्ड, तो ये तो वर्ड में लिखने हैं तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर द फॉरेस्ट वाज इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुए, तो वो उसमें क्या करोगे माइनस, सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैंने बताया था पॉपुलेशन पहले 35 लाख थी, अब पहले 48 लाख थी, अब 35 मतलब इंक्रीज हुई है, तो उसमें क्या किया आपने माइनस, सेम थिंग पहले कितने थे 3,000 फॉरेस्ट थे, ठीक है, अब फॉरेस्ट कितने हो गए 7,000 हो गए, तो कितने 1,000 का इंक्रीजमेंट हुआ है 4,000, तो क्या करोगे 7,000 में 3,000 को क्या करोगे माइनस, तो इसमें भी ये लिखना है कि इन 2000 फॉरेस्ट 3,600 एंड 2011 फॉरेस्ट 7,085 और उसमें से इसको क्या कर दोगे माइनस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये वैल्यू क्वेश्चन है आपकी, मतलब साइंस के रिलेटेड है कि डू यू थिंक द प्लांट इन द मोल्ट इन द गॉड गुड फॉर द एनवायरमेंट, क्या आपने का ट्री एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, तो आपके इसका आंसर लिखोगे यस, और इसके बारे में टेंस लाइन आपको लिखने है कि वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन अवर लाइफ, फॉरेस्ट अपने लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, उसके लिए आपको कम से कम एटलीस्ट 10 लाइन्स आपको इसमें लिखनी है। नाउ नेक्स्ट टेक एनी नंबर विच द डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई इट इटसेल्फ, ये आपका मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 5 से डिवाइड नहीं कर सकते,
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको फिर 5 से ऑप्टेन करना है, डिवाइड द प्रोडक्ट एंड रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या बनना चाहिए, 104। ये आपका पजल क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद को करना है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। सो टूडेज योर होमवर्क एक्सरसाइज 1.6 हैज कम्प्लीटेड। एंड ऑल स्टूडेंट्स सेंड द होमवर्क, मोस्ट ऑफ इस बच्चों के होमवर्क्स नहीं आ रहे हैं, आपका मैथ्स का वर्क बहुत सारा हो जाएगा, तो प्लीज़ सेंड योर होमवर्क रेगुलरली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।